हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, और वो दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को स्लेवरी से, दास प्रथा से मुक्त किया और देश को टूटने से बचाया। अब्राहम लिंकन एक गरीब घर में पैदा हुए, बाद में वो लकड़हारे, सर्वेयर, गांव के पोस्टमास्टर, विधायक, वकील, संसद सदस्य और आखिर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। उनके पिता पढ़ाई लिखाई से चिढ़ते थे, लेकिन लिंकन की सौतेली मां ने उनके स्कूल जाने पर जोर दिया। लिंकन और उनकी सौतेली मां के बीच प्रेम हमेशा बना रहा। उन्होंने ही लिंकन को किताबें पढ़ने और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। जब लिंकन पोस्टमास्टर बने तो वो अखबारों को ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले खुद पूरा अखबार पढ़ लिया करते थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं अब्राहम लिंकन। उन पे बातें और भी, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। उन्होंने 22 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू किया जो चौपट हो गया। 23 साल की उम्र में वो चुनाव लड़े लेकिन उसमें हार गए। 24 साल की उम्र में उन्होंने एक और बिजनेस शुरू किया जिसमें वो बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। 26 साल की उम्र में उन्हें अपनी प्रेमिका की मृत्यु का गहरा आघात सहना पड़ा। 27 साल की उम्र में वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए और 29 साल की उम्र में वो स्पीकर का चुनाव हार गए और 31 साल की उम्र में वो इलेक्टर का चुनाव हारे। 34 और 39 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव हारे। 46 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव एक बार फिर हारे, लेकिन इतनी सारी असफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिर 51 साल की उम्र में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लगन, हौसला और इच्छा शक्ति हो तो इंसान तमाम असफलताओं के बाद भी जीत सकता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पे बातें और भी, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। उन्होंने 22 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू किया जो चौपट हो गया। 23 साल की उम्र में वो चुनाव लड़े लेकिन उसमें हार गए। 24 साल की उम्र में उन्होंने एक और बिजनेस शुरू किया जिसमें वो बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। 26 साल की उम्र में उन्हें अपनी प्रेमिका की मृत्यु का गहरा आघात सहना पड़ा। 27 साल की उम्र में वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए और 29 साल की उम्र में वो स्पीकर का चुनाव हार गए और 31 साल की उम्र में वो इलेक्टर का चुनाव हारे। 34 और 39 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव हारे। 46 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव एक बार फिर हारे, लेकिन इतनी सारी असफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिर 51 साल की उम्र में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लगन, हौसला और इच्छा शक्ति हो तो इंसान तमाम असफलताओं के बाद भी जीत सकता है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पे बातें और भी, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, स्वाभिमान क्या है, स्वाभिमान के भाव क्या है? स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ अब्राहम लिंकन के लफ्जों से ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। उन्होंने एक खत लिखा जब उनका बेटा स्कूल जा रहा था। वो खत यूं है, बहुत ही खूबसूरत, दुनिया भर में मशहूर ये खत अब्राहम लिंकन का, आप गौर से सुने। वर्ल्ड, माय सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे। ए दुनिया, आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। ए दुनिया,
मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज इसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ नरमी से पेश आए। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार अब तक घर तक ही सीमित था, इसने अपनी चार दीवारी से बाहर कभी झांका नहीं था। यह अब तक घर का राजा रहा है, अब तक इसकी चोट पे मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह ये सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसिक यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए दुनिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वो सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर, मगर हो सके तो प्यार से। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने इस पत्र में आगे क्या लिखा है? दोस्तों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में आगे यूं लिखा है, इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए दुनिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वो सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर, मगर हो सके तो प्यार से। मैं जानता हूं कि इसे एक दिन ये समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते। इसे ये भी सिखाएं कि संसार में हर धूर्त इंसान के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहां एक दुश्मन है तो वहां एक दोस्त भी है। इसे शुरू में ही ये सीखने में मदद करें कि बुरे और धांस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में आगे क्या लिखा है? दोस्तों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का बेटा जब स्कूल जा रहा था, तब उन्होंने स्कूल को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि ये उनके बेटे का स्कूल में पहला दिन है और उसके साथ नरमी से पेश आया जाए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने खत में आगे यूं लिखा है, इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कुदरत की छुपी खूबसूरती, जैसे आसमान में उठते पंछी, गुनगुनाते भौंरे, हरी भरी वादियों में खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दें। इसे यह भी सिखाएं कि बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पे विश्वास रखना सिखाएं जब सब कह रहे हों कि वो गलत है। मेरे बच्चे को वो शक्ति दें जिससे वो भीड़ का हिस्सा न बनकर भेड़ चाल न चले जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे ये तो सिखाएं कि वो दूसरों की बात सुने लेकिन हर बात सच्चाई के तराजू पे परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने ये लाजवाब खत, ऐतिहासिक खत अपने बेटे के स्कूल को लिखा। इस खत में उन्होंने आगे क्या लिखा है? दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में स्कूल को लिखा। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट, 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के स्कूल को लिखा, ऐ दुनिया, मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज इसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके साथ नरमी से पेश आए। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार अब तक घर तक ही सीमित था, इसने अपनी चार दीवारी से बाहर कभी झांका नहीं था। ये अब तक घर का राजा रहा है, अब तक इसकी चोट पे मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। ये बातें हो रही हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने अपने खत में आगे यूं लिखा है, मेरे बच्चे को वो शक्ति दें
जिससे वो भीड़ का हिस्सा न बनकर भेड़ चाल न चले जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे ये तो सिखाएं कि वो दूसरों की बात सुने लेकिन हर बात सच्चाई के तराजू पे परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सोने चांदी के सिक्कों से न तौले। इसे ये सिखाएं कि वो लोगों के कहने में ना आए और अगर वो अपनी सोच में खुद को सही पाता है तो अपने सही इरादों पे डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी से सिखाएं लेकिन आए दुनिया इसे बिगाड़े मत और कमजोर न बनाएं क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। जी हाँ, लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है मगर आए दुनिया फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। आखिरकार वो एक बहुत प्यारा बेटा है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने ये बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक पत्र लिखा अपने बेटे के स्कूल को। एक ऐतिहासिक पत्र, एक यादगार पत्र। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ अब्राहम लिंकन के इन लफ्जों से ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये बात अब आप भी मानते होंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने एक बार एक युवा आर्मी ऑफिसर को अपने कलीग के साथ एक बड़े विवाद में उलझने पे फटकार लगाई थी। अब्राहम लिंकन ने उस युवा आर्मी ऑफिसर से कहा था, जो व्यक्ति जीवन में अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा दोहन करने के लिए निश्चयी है, संकल्पवान है, उसके पास व्यक्तिगत विवाद के लिए समय ही नहीं होता। इसके अलावा वो परिणामों को झेलने के लिए भी तैयार नहीं होता जिसमें क्रोध और आत्मनियंत्रण की कमी शामिल है। उन बड़ी चीजों को छोड़ दो जिन पे आपका दूसरों जितना ही अधिकार है। उन छोटी चीजों को छोड़ दो जो स्पष्ट रूप से आपकी ही हो। अगर कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाता है तो उससे लड़ने के बजाय और खुद को उससे कटवाने के बजाय बेहतर यही है कि आप उसके लिए रास्ता छोड़ दें। कुत्ते को बाद में आप मार भी दें तो भी उसके काटे हुए घाव को भरना संभव नहीं होता। दोस्तों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक युवा आर्मी ऑफिसर को अपने कलीग के साथ एक बड़े विवाद में उलझने पे यूं फटकार लगाई थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक लॉजिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्थ थिएटर के सामने था जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। अब्राहम लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था जो उनके शरीर के हिसाब से काफी छोटा था। रोजा बॉनर की मशहूर पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। अब्राहम लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैंटन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब्राहम लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे? उनकी सफलता का राज क्या था? क्या लिंकन आलोचना करते थे? दोस्तों, ये सच है कि एक समय था जब अब्राहम लिंकन भी लोगों की आलोचना करते थे। इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वो न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उड़ाते हुए उन्हें छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलिनॉय में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे तब भी वो खुलेआम अपने विरोधियों पे आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। लेकिन एक बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 1842 में अब्राहम लिंकन ने जेम्स शील्ड्स नाम के दम्भी और नकचढ़े पॉलिटिशियन पे व्यंग लिखा। लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से एक व्यंग भेजा जो स्प्रिंगफील्ड के अखबार जर्नल में छपा। पूरा शहर जेम्स शील्ड्स पे हंस रहा था। सेंसिटिव और कंसीटेड दम्भी शील्ड्स आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वो अपने घोड़े पे चढ़ा। दोस्तों, ये 1942 की बात है और उसने अब्राहम लिंकन को ढूंढकर उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया।
अब्राहम लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का रास्ता भी नहीं था। अब्राहम लिंकन को हथियारों का विकल्प दिया गया, ऑप्शन दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी, इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का ट्रेनिंग लिया। दोस्तों, जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था, उस दिन अब्राहम लिंकन और जेम्स शील्ड्स मिसिसिपी नदी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी, लेकिन आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लेकिन अब्राहम लिंकन के जीवन की ये सबसे विकट घटना थी, सबसे मुश्किल वाकया था ये उनके जिंदगी का। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। उसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक। अब्राहम लिंकन लोगों का दिल किस तरह जीत लेते थे, उनकी सफलता का राज क्या था, और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक क्यों है, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को अपॉइंट करते रहे, और हर जनरल मैकलेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर मीड, इन सभी ने इतनी बड़ी गलतियां की कि अब्राहम लिंकन हताशा में फर्श पे इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानते भेजता रहा, लेकिन लिंकन, जिनके दिल में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका फेवरेट कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। जब श्रीमती लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे, तो अब्राहम लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो, अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। लेकिन अगर किसी आदमी के पास आलोचना के अवसर थे तो यकीनन वो आदमी अब्राहम लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से ये समझ सकते हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का फेवरेट कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ये बात है अमेरिकन सिविल वॉर की, गृह युद्ध की। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण तेज बारिश से बाढ़ आ गई। जब जनरल ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमैक पहुंच, उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार करना मुमकिन नहीं है, और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब्राहम लिंकन ये बात समझ गए, ये एक सुनहरा मौका था, ईश्वर की कृपा से मिला सु अवसर था, ली की सेना को हराने का अवसर जिससे युद्ध फौरन खत्म हो जाता। इसलिए दिल में आशा का सैलाब लिए अब्राहम लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वो युद्ध के बारे में कोई मीटिंग ना करें बल्कि फौरन ली पे हमला कर दें। अब्राहम लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक स्पेशल मैसेंजर को मीड के पास भेजकर फौरन एक्शन लेने को कहा। और जनरल मीड ने क्या किया? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, जनरल मीड ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से, उसने उनके ठीक विपरीत काम किया। अब्राहम लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई, वो हमला करने में झिझका, उसने टालम टोल की, उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया, उसने ली पे हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन गुस्से से पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने बेटे के सामने चीख रहे थे, ओ गॉड, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था।
दुश्मन हमारी गिरफ्त में था, हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहां होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से घोड़े लगाए होते। दोस्तों, घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने जनरल मीट को एक पत्र लिखा। दोस्तों याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में अब्राहम लिंकन बेहद संयत थे और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में अब्राहम लिंकन का लिखा ये पत्र सीरियस आलोचना से कम नहीं था। उस पत्र में 1863 में अब्राहम लिंकन ने क्या लिखा था, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, घोर निराशा में अब्राहम लिंकन बैठे और उन्होंने जनरल मीट को ये पत्र लिखा। दोस्तों याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में अब्राहम लिंकन बेहद रिस्ट्रेंड थे, संयत थे और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में अब्राहम लिंकन का लिखा ये पत्र बेहद सीरियस आलोचना से कम नहीं था। लिंकन ने लिखा था, प्रिय जनरल मीट, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वो हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पे हमला नहीं कर सके तो अब आप कैसे कर सकते हैं जब वो नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते। ऐसी उम्मीद करना निश्चित रूप से इलॉजिकल है, अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। दोस्तों, ये पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने जनरल मीट को। जनरल मीट को ये पत्र पढ़कर कैसा लगा? दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मीट को ये पत्र कभी मिला ही नहीं, अब्राहम लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। ये पत्र अब्राहम लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाजा है, और ये सिर्फ अंदाजा है दोस्तों, कि ये पत्र लिखने के बाद अब्राहम लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, जस्ट अ मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीट पे हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, लेकिन अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीट ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर मैं जनरल मीट की तरह डिफेंसिव प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं ये पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, लेकिन इससे जनरल मीट को बहुत ठेस पहुंचेगी। वो मेरी आलोचना करेगा और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी, सेनापति के रूप में मीट की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वो शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तो दोस्तों, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब्राहम लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से अब्राहम लिंकन ये जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक। बातें और भी, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था, लगभग सारे लोग दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी आदमी का चरित्र परखना चाहते हैं तो उसे शक्ति दे दें। शक्ति की तुलना एक महान नदी से की जा सकती है जो जब तक सीमाओं में रहती है तब तक बहुत सुंदर और उपयोगी होती है, लेकिन जब वो सीमाएं तोड़ देती है तो विनाश फैला देती है। शक्ति का खतरा इस हकीकत में छुपा रहता है कि जिन लोगों के पास शक्ति होती है वो इसे बनाए रखने की सबसे ज्यादा चिंता करने लगते हैं। इसी वजह से वो स्वाभाविक रूप से उन शक्तियों में किसी परिवर्तन का विरोध करेंगे जिनकी वजह से उन्हें शक्ति मिली है। इतिहास हमें बताता है कि शक्ति आ जाने की वजह से शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है और शक्ति के दुरुपयोग की वजह से शक्ति छिन जाती है। दोस्तों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति ने सही कहा था कि मानव स्वभाव असीमित शक्ति को नहीं संभाल सकता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों,
राष्ट्रपति लिंकन के एक सलाहकार ने उनके कैबिनेट के लिए एक उम्मीदवार का नाम सजेस्ट किया, लेकिन लिंकन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, मुझे उस आदमी का चेहरा पसंद नहीं है। तब उनके एडवाइजर ने ये लॉजिक दिया, लेकिन सर वो अपने चेहरे के लिए जिम्मेदार नहीं है। तब अब्राहम लिंकन का जवाब था, 40 से ज्यादा उम्र का हर आदमी अपने चेहरे के लिए जिम्मेदार है। और वो डिस्कशन वहीं खत्म हो गया। दोस्तों, चाहे आप अपने नजरिए के बारे में कुछ भी सोचें, ये आपके चेहरे पे झलकता है। दोस्तों, आपके और हमारे जीवन में सबसे बड़ा दिन वो होता है जब हम अपने नजरिए की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। यही वो दिन होता है जब हम सचमुच बड़े होते हैं, और यही कहना चाहते थे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से गिने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका को स्लेवरी से, दास प्रथा से मुक्त कर दिया और देश को टूटने से बचाया। वो एक महान नेता थे। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।